वो पिछले 3 साल से जो है सिस्टम के खिलाफ फाइट कर रही है। उस घायल शेरनी को मैं तो यही कहूंगी कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। 6 बंदे थे, वो तो सिर्फ 6-7 थे और 2 एक्स्ट्रा भी और देखने वाले आ गए थे। कुल मिला के 6-7 बंदे वहाँ पे थे, वो तो 6-7 ही थे। अगर वहाँ पे 60-70 या 80 बंदे होते ना तो भी मैं उनकी हड्डी पसली तोड़ सकती थी, अकेले में इतनी हिम्मत हम पर। तो ये क्वेश्चन नहीं आता, ये फिर जो हेल्थ मिनिस्टर साहब है वो ये क्वेश्चन नहीं कर रहे होते कि इस लड़की ने जो है क्या नाम है अभद्र व्यवहार किया, गालियाँ दी, सुन नहीं सकते ऐसी गालियाँ दी। सर होम मिनिस्टर सॉरी हेल्थ मिनिस्टर साहब, आप ठीक से वो ऑडियो सुन लीजिएगा एक बार, तब आपको पता चलेगा कि आपके नवाब जादे ने मुझे क्या बोला है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे, तुसीं सब बाखूबी जानते हो कि कुछ दिन पहला गुजरात तो एक वीडियो सोशल मीडिया उत्ते बहुत वायरल हुई सी, जिस दे विच एक महिला पुलिस अधिकारी हेल्थ मिनिस्टर दे मुंडे नूं ताड़दी हुई नजर आ रही सी क्योंकि उसने कानून तोड़िया सी। जिस तों बाद यह वीडियो जितना ही सोशल मीडिया उत्ते वायरल हुई तां यह सुनीता यादव नाम दी पुलिस मुलाजम हर किसी दियां नजरां विच आ गई ते अज तक अपने हक सच वास्ते एह ती लड़ाई लड़ रही है। पर आखिर वो कौन है जिस दी लड़ाई नू वेख के इस ती नू मुड़ लाइव होना पिया ते इसने कहा कि जो लोग सुनीता यादव नू सपोर्ट करने वास्ते अगे आए ने वो पहला रागनी यादव नू सपोर्ट करो। जेकर तुसी रागनी यादव नू सपोर्ट कर दवोंगे तो मैं समझ लां कि तुसी मैनू सपोर्ट कीती है। ते नाल ही संतरियां मंत्रियां नू भी सिद्धी हिदायत दित्ती कि जोर लगा लो, जो जिथे गलत है उस नू तां असीं ठोकांगे ही ठोकांगे, नहीं तां जो तुहाडे सपूतां ने करतूत कीती है उहनां नू जिथे पहुंचना चाहीदा है, बेल ते बाहर ना घुमाओ, उहनां नू उत्थे पहुंचाओ। टाइम बहुत कम है, बोलना बहुत ज़्यादा है, सो आज मैं वेट नहीं करूँगी कि 100+ हो जाएँ, 1000+ हो जाएँ या 1500+ हो जाएँ, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूँ। राइट नाउ 23:25 ओके, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज जो लाइव आने का खास रीज़न है वो ये है कि जैसे ही मैं सुबह उठी मुझे कहीं किसी ने एक लिंक शेयर करा था। बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी, पर मैं बाकी सारे क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह ये वो ख़त्म करके जब मैं वॉकिंग के लिए निकली तब मैंने अपना मोबाइल डेटा ऑन करा। तो जैसे मैंने ऑन करा एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं कि मतलब एकदम अंदर से रुला देने वाली या घायल कर देने वाली चीज़ मैंने देखी, जिसमें रागिनी यादव नाम की एक बंदी है, घायल शेरनी है, वो बंदी नहीं है घायल शेरनी है, जिसका एफ बी लाइव मैंने देखा और उसे देखते ही अंदर से खून खोल उठा। मैं नहीं चाहती लाइव आना, मैं नहीं चाहती लाइमलाइट में आना, मैं नहीं चाहती किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसना, पर उसकी आवाज़ और उसका दर्द मुझसे सुना नहीं जा रहा, सहन नहीं हुआ और मैंने ना चाहते हुए इस वक्त मैं लाइव आ रही हूँ। तो इसके बाद जो हो वो देखा जाएगा, लेकिन मुझे अपनी बात अपने फ्रेंड्स तक पहुंचानी है, अपने सपोर्टर्स लोगों तक पहुंचानी है, जो लोग मुझे मदद कर रहे हैं, जो लोग मुझे कह रहे हैं हम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं, आपको जो भी हेल्प चाहिए मुझे कहिएगा, यूपी से यूपी भी मतलब पूरे भारत से लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे उन लोगों तक अपनी बात पहुंचानी थी। और ऐप भी लाइव मुझे लगता है कि आज के दिन का जो है मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे ज़्यादा अगर कोई मेरी बात अगर कहीं तक पहुँच पाई तो ये वो ऐप भी प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ आके मैं लाइव आके मेरे सपोर्टर जो मेरी मदद करना चाहते थे उन लोगों से मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। रागिनी यादव इस भ्रष्ट सिस्टम से पिछले 3 साल से फाइट कर रही है। जैसे ही मैंने उसका वीडियो देखा, एफ बी लाइव देखा उसकी, आप पता नहीं वो बंदी मेरे कांटेक्ट में नहीं है, अगर हो सके तो उस बंदी का कांटेक्ट करवाना मेरे से। वो पिछले 3 साल से जो है सिस्टम के खिलाफ फाइट कर रही है। उस घायल शेरनी को मैं तो यही कहूँगी कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और उसे ये नहीं कहूँगी कि हिम्मत रखो, उसमें बहुत हिम्मत है। आप में अगर आप रागिनी जी अगर आप देख रही हैं इस वक्त मुझे लाइव में देख पा रही हैं तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप हिम्मत रखिए, आपके साथ कुछ नहीं होगा, ये आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीका है, बस ऐसे ही लड़ते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं आज जाहिर में कहना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। रागिनी यादव जो है वो एक यदुवंशी है,
रागिनी यादव उनका नाम है, तो मैं उनके सपोर्ट कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि वो एक यादव है, इसलिए भी नहीं कि वो एक ओबीसी में आती हैं या फिर दलित समाज की है, नहीं, मैं सिर्फ इसलिए उसको मदद कर रही हूँ, ओपन सपोर्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो एक भारत की बेटी है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझ तक तो सिर्फ एक ही चीज़ पहुंच पाई है जो परेशान है, इसके अलावा भी मुझे लगता है कि भारत देश में, अपने भारत देश में बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं चाहती हूं कि जो लोग मुझे मदद करने के लिए बात कर रहे हैं, जो लोग मुझ तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, जो मुझ तक मदद पहुंचाने की बात कर रहे हैं फाइनेंशियली, मेंटली या फिर कोई भी हेल्प मुझ तक जो पहुंचाना चाहते हैं या चाहते थे या चाहेंगे, उन सब से रिक्वेस्ट है कि पहले आप रागिनी यादव को मदद कीजिए। अगर आप लोग उसको मदद करोगे तो मैं समझ जाऊँगी मेरी मदद हो गई। मैं तो खुद इस सिस्टम का भाग हूँ, मैं खुद एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक LR ऑफिसर हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं खुद अपनी फाइट लड़ सकती हूँ। मुझे, मैं ये तो नहीं कहूँगी आपकी ज़रूरत नहीं है, पर मैं ये कह सकती हूँ कि मैं खुद कानून की रखवाले हूँ या फिर मेरा फर्ज है कानून कायदे का पालन करवाना। तो अगर मैं लोगों को मदद कर सकती हूँ तो मैं खुद की मदद कर सकती हूँ, इतनी काबिल हूँ। लेकिन जो रागिनी यादव है, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उनको हेल्प करें, मैं चाहती हूँ कि आप उनको हेल्प करें। आप जो भी मुझे मदद करना चाहते थे, आप लोग अगर उनको मदद कर देंगे तो मैं समझूंगी कि यस, आप लोगों ने मेरी मदद कर दी है। अब ज़्यादा तो मैं आपको क्या कहूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि उस दिन मेरे साथ जो घटना घटी थी, उस टाइम ही मैं ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकाल सकती थी। मेरे साथ जो हुआ उस दिन, वो तो सिर्फ 6 या 7 बंदे थे, 6 बंदे थे, वो तो सिर्फ 6-7 थे और 2 एक्स्ट्रा भी और देखने वाले आ गए थे, कुल मिला के 6-7 बंदे वहाँ पे थे, वो तो 6-7 ही थे। अगर वहाँ पे 60-70 या 80 बंदे होते ना तो भी मैं उनकी हड्डी पसली तोड़ सकती थी, अकेले में इतनी हिम्मत है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में NCC में जो मैंने 4 साल बिताए वो मैंने ऐसे ही नहीं बिताए, मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अकेली 70 से 80 लोगों को 80 लोगों का सामना कर सकती हूँ। हम लोगों ने 8 महीने दिन रात जो मेहनत करी है वो ऐसे ही नहीं करी है। सुबह मैंने PTC जूनागढ़ से ट्रेनिंग ली है, जो लोग जानते हैं उनको पता ही होगा, जो नहीं जानते उनको बता दूं कि PTC जूनागढ़ जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, वहाँ पे हम लोगों को एक से बढ़कर एक ADIU से हम लोगों को ये सेल्फ डिफेंस का शिक्षण मिला है, और उन लोगों ने हम लोगों को इतना तैयार करके बाहर निकाला है कि हम अकेली, मैं अकेली नहीं, वहाँ पे 1700 बंदियाँ ट्रेनिंग में थी, वो एक एक बंदी में इतनी इतनी पावर है कि वो अकेली इतने सारे लोगों को फाइट कर सकती है। ये तो सिस्टम है जो हम लोग को मजबूर कर रहा है शांति से बैठने के लिए। मैं ये आज खुल के कह सकती हूँ कि उस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी और मैं मजबूर थी कि मैं कुछ ना कर पाई। लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बंदी ने गालियाँ दी, ये दी, वो दी, आप लोगों के सामने पहले भी कहा, अगेन आई रिपीट कि सिर्फ गालियों वाली बात ही बाहर आई, और वो गालियों वाली बात भी मेरी ऑडियो जो है मेरी फ्रेंड ने बाहर निकाली। मुझे अभी राइट नाउ तक भरोसा है कि आप लोगों ने वो ऑडियो भी ठीक से नहीं सुना होगा कि मैं क्यों गालियाँ दे रही हूँ। अगर आपने ठीक से वो ऑडियो सुना होता तो ये क्वेश्चन नहीं आता, ये फिर जो हेल्थ मिनिस्टर साहब है वो ये क्वेश्चन नहीं कर रहे होते कि इस लड़की ने जो है क्या नाम है अभद्र व्यवहार किया, गालियाँ दी, सुन नहीं सकते ऐसी गालियाँ दी। सर, होम मिनिस्टर, सॉरी, हेल्थ मिनिस्टर साहब, आप ठीक से वो ऑडियो सुन लीजिएगा एक बार, तब आपको पता चलेगा कि आपके नवाब जादे ने मुझे क्या बोला है। उसने मुझे शराब पिलाने की बात करी, उस ऑडियो को फिर से सुनिए आप ध्यान से, तब आपको पता चलेगा कि उसने मुझे ये कहा है कि इसको जो है एक पैक पिला दिया जाए, ठीक है। तो मैं कितना सर, हद होती है, मैं 1 घंटे से आपकी औलादों के साथ भेजामारी कर रही थी, 1 घंटे से आपके लफंगे, आपके बेटे के लफंगे दोस्तों के साथ भेजामारी कर रही थी। जब मेरी बात ईमान पे आ जाती है, वो साले हरामियों की, हाँ आज मैं खुल के बोल रही हूँ कि उन साले हरामियों की इतनी औकात कि वो लोग मुझे दारू पिलाने की बात कर रहे हैं, खुद साले हरामी पी के आए और वो लोग मुझे पिलाने की बात कर रहे हैं। शुक्र मनाओ मैं उस दिन वर्दी में थी, वरना आपका जो बेटा और वो जो उसके लफंगे यार थे ना, कब तक टूट चुके होते, हाथ पैर और अपने सारे प्राइवेट पार्ट सब तुड़वा के जाते हरामी मुझसे। और ये चीज मुझे नहीं कहनी थी, मैं कानून में हूँ, मैं डिसिप्लिन में हूँ, मैं पिछले 1 महीने से कह रही हूँ मैं डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में नहीं बोल सकती। आप लोग मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हो, मेरे खिलाफ आप लोग इंक्वायरीज करवा रहे हो, मेरे खिलाफ लोगों को इकट्ठा, भाड़ों के टट्टू को इकट्ठा करवा के मेरे पीछा करवा रहे हो, मेरे खिलाफ लोगों के सामने आप जो है लोगों को, भाड़े के टट्टू को इकट्ठा करवा रहे हो, मेरा विरोध करवा रहे हो, क्यों? अगेन बोल दू हेल्थ मिनिस्टर साहब, ये सत्य है ना, वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोलूं, चुपचाप से अपने बेटे को ठिकाने पहुंचा दो, जो आपने बेल पे छुड़वाया ना उसको, चुपचाप वहां पे पहुंचा दो वापस, वरना वो दिन दूर नहीं
जब मैं ये नौकरी मैंने इस्तीफा दे दिया था, मेरा मतलब दे दिया था, मतलब टेलीफोनिक मैंने इन्फॉर्म करा था, पर कुछ सुपीरियर ऑफिसर्स ने मुझे कहा कि बेटा ये तरीका सही नहीं है, तुम सिस्टम के साथ लड़ सकते हो, तुम कानून व्यवस्था से लड़ सकते हो। मुझे नहीं लगता कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है हमारे देश की कि अब तक मुझे, मैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है ना उनको कहना चाहती हूँ कि सर सब कुछ अवेलेबल होने के बाद, सबूत है, बंदा है, मैं हूँ, मतलब कार्रवाई जो घटना घटी थी उस चीज़ का हर एक बंदा वहाँ पे अवेलेबल है, किसी का मर्डर नहीं हुआ है, कोई गायब नहीं है, कोई गुम नहीं है, फिर भी मुझे न्याय मिलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्यों हमारे भारत देश की कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर क्यों है? क्यों किसी भी बंदे को या बंदी को जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद चप्पल घिस जाए तब तक धक्के खाने पड़ते हैं? क्यों हमारे भारत सिस्टम का जो कानून व्यवस्था है वो इतना कमज़ोर क्यों है कि बंदा जो है, मतलब आज अगर कंप्लेंट करता है, आज अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, वो अगर जाके वहाँ पे कंप्लेंट करती है तो जब तक उसका रिजल्ट आता तब तक वो बंदा मर चुका होता है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमारी कानून व्यवस्था, ये अभी भी मुझे अपनी कानून व्यवस्था पे भरोसा है। मैं कानून की खुद एक रखवाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भारत देश का सिस्टम, जो भी सुपीरियर ऑफिसर सुन रहे हैं उन लोगों को बता दूं कि हमारे भारत देश का जो सिस्टम सोया हुआ है उनको जगा दो। जो 11 बजे ऑफिस जाते हैं और 12 बजे कोर्ट में, 11 बजे कोर्ट में पहुंचते हैं ना, उन लोगों को बताओ कि हम लोग भारत देश में रहते हैं, हमारी सुबह सुबह 4 बजे होनी चाहिए। ये कोई फॉरेन कंट्रीज नहीं है जो आप लोग 10 बजे तक सोते रहते हो। आप लोग सो, मुझे उससे भी मतलब नहीं है, 12 बजे तक सो, पूरे दिन सो, आपकी लाइफ है। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे जैसी हजारों लड़कियों के साथ जो देश में हो रहा है, वो होना बंद नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगी ये नौकरी और उतर जाऊंगी बगावत में, जिसमें हिम्मत हो रोक लेना मुझे। अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ हमारी कानून व्यवस्था पे, हमारे सुपीरियर ऑफिसर से, होम मिनिस्टर साहब से, डिफेंस मिनिस्टर साहब से कि सर आप क्या कर रहे हैं? हमारे भारत देश की लड़कियाँ सुरक्षित नहीं, हमारे भारत देश की बेटियाँ सुरक्षित नहीं, आप क्या कर क्या रहे हैं? सर नरेंद्र मोदी सर, माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ऐसा माना कि सुपीरियर पावर आपके पास है। सर आप जो है वो मंदिर बनवा रहे हैं, सर बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत खुश हुई इस चीज़ को लेके कि जो लोग ऐसा कह रहे थे मंदिर बनेगा तो ये होगा वो होगा, उन साले सारे कमीनों की आपने आवाज़ बंद करके आज आपने मंदिर बनवा दिया। तो आप अगर ये कर सकते तो मेरा मानना है कि आपके लिए बहुत छोटी सी बात होगी हमारे भारत देश की जो बेटियाँ उनकी सुरक्षा करना। सॉरी सर अगर मैं अगर ज़्यादा कुछ बोल रही हूँ, अगर मेरे बोलने में अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अपने दायरे से बाहर जा रही हूँ तो माफ़ कीजिए सर, लेकिन मैं मजबूर हो गई हूँ। एक रागी आज सुबह ही मैंने देखा, एक रागिनी यादव नाम की जो घायल शेरनी है, बंदी या लड़की नहीं कहूँगी, घायल शेरनी या फिर हमारे देश की बेटी, पिछले 3 साल से इस सिस्टम के साथ फाइट कर रही है, इस सिस्टम से परेशान हो गए। कुछ खाकी वाले हैं जो उसने ऐसा कुछ उसे गालियां दी जा रही है, उसे गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, उस कुछ हजारों बार गालियां दी जा रही है, कहाँ गए ये लोग? ये जो यूपी बिहार और एमपी के जो मुझे यादव जो हैं वो मुझे सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, सर आप मुझे बाद में सपोर्ट कीजिएगा, पहले आपके घर में जो आग लगी है, आपके घर में जो अंधेरा है या फिर आपके आंगन में, आपके पैरों में जो अंधेरा है ना, उसमें आप ध्यान दीजिए पहले। आपके घर की बेटियां सुरक्षित नहीं है, आपके राज्य की बेटी सुरक्षित नहीं है और आप मुझ तक गुजरात तक पहुंच रहे हैं मदद करने के लिए। पहले आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पहले आप अपने अपने पैरों में जलती आग देखिए, गांव में जलती आग बाद में देखिए, आप गुजरात तक पहुंच रहे हैं मुझे मेरी मदद करने के लिए, पहले आप अपने अपने राज्य का और अपना देश का, अपने राज्य का और अपने जिले का तो देखिए पहले। ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग मेरी मदद के लिए आ रहे हैं, आप सबका धन्यवाद है कि आप मेरी मदद के लिए आ रहे हैं, पर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं तो इस काबिल हूँ कि मैं अपने आप की मदद कर लूँगी, लेकिन वो बेटी भी इस काबिल है, वो अकेली शेरनी पिछले 3 साल से उन हरामियों के साथ लड़ाई कर रही है, वो उसे गालियाँ दे रहे, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे, फिर भी उस सिस्टम के साथ, लोगों के साथ फाइट कर, कुछ पुलिस वाले गद्दार, यस आज मैं कहना चाहती हूँ, कुछ पुलिस वाले गद्दार जो नौकरी और खाते सरकार के हैं और गुलामी करते हैं इन भ्रष्ट नेताओं की, सभी नेताओं को मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन जो भ्रष्ट नेता है ना उन लोगों की गुलामी करते हैं। शर्म करो आप लोग, ऐसे खाते हो सरकार की और बजाते हो इन लोग की। ये लोग राजनेता वगैरह जो भी कुछ है ना वो देश के सेवक हैं, पहले जनता है, सर्वोपरि जनता है, जनता पहले है, उसके बाद में सिस्टम है, उसके बाद में सब लोग है। सिस्टम है ना वो लोगों के लिए, लोग नहीं है सिस्टम के लिए। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि रागिनी यादव है वो यादव है इसलिए नहीं, पर वो भारत देश की बेटी है, अकेली लड़ रही है, आप लोग उसकी मदद ना कर सको तो कोई बात नहीं, कम से कम उसके रास्ते में जो पत्थर बिछा रहे हैं वो ना करो। और ये जो ऑफिसर उसके खिलाफ जो कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं, उसे जेल में डालने की बात कर रहे हैं, उसे धमका रहे हैं, उसको मर्डर करने की बात कर रहे हैं, रेप करने की बात कर रहे हैं, सालों कमीनों हरामियों, तुम लोगों की इतनी हिम्मत जो भारत देश की बेटी के साथ में ऐसा व्यवहार कर सकते हो? वो दिन दूर नहीं जब मैं और मेरी जैसी हजारों लड़कियां बाहर आएंगी और तुम लोगों की हड्डी पसलियां एक कर देंगी,
समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रही हूँ? इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूँ, मैं अपने अपने शब्दों पे अभी भी मैं कंट्रोल रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो है किसी भी नहीं, चलो मैं नहीं डरती किसी भी कुछ भी, जहाँ जिसको फंसाना है फंसा ले, ठीक है, जिसको जो बिगाड़ना बिगाड़ ले। मैं सुनीता यादव और राइट नाउ मेरा, मैं जैसलमेर राजस्थान में हूँ, जिसके बाप की जो हिम्मत हो उखाड़ ले, ठीक है। मुझे यकीन है अभी भी भारत देश की कानून व्यवस्था पे, भारत देश की जो है, हाँ मैं तो ये कहना चाहती हूँ, ये कहाँ गए स्त्री सशक्तिकरण वाले, बाल विकास वाले, ये वो जो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, कहाँ हैं आप लोग? मानव अधिकार वाले कहाँ हैं? कहाँ आप लोग अभी? कहाँ हैं? कहाँ सो रहे हैं क्या? नींद नहीं टूटी क्या आप लोगों की अभी तक? भारत की बेटियों के साथ ये सब गलत हो रहा है और आप लोग सो रहे हो? शर्म आ रही है? नींद कैसे आ रही है? मैं पिछले 8 जुलाई से अभी तक नहीं सो पा रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। जैसे मैं आँख बंद करने की कोशिश करती हूँ, वो कमीने कुत्तों की शक्ल मुझे दिखाई देती है, उन हरामियों की शक्ल दिखाई देती है। आँख बंद करते उन भ्रष्ट अधिकारियों की मुझे शक्ल दिखाई देती है, जिन लोगों ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश करी। आप लोगों को कैसे नींद आ सकती है? इसका आप लोगों को नींद आ रही, इसका मतलब यही है कि आप लोग सिर्फ नाम का दिखावा कर रहे हैं कि हम मदद कर रहे हैं। मुझ तक लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके साथ, हम आपके, आप कोई मेरे साथ नहीं हो, अपनी अपनी रोटियां सेकना चाहते हो, समझ में आ रही है? और अगर रोटियां नहीं सेकना चाहते और सच में अगर किसी की मदद करने के लिए आप आए हो, तो रागिनी यादव का जो किस्सा है, मैं उस शेरनी के साथ या भारत की बेटी के साथ मेरा अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ, किसी का कांटेक्ट हो तो मेरा कांटेक्ट करवाइएगा और उसकी मदद कीजिएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। मतलब मैं नहीं चाहती गुस्सा करना, मैं बड़ी शांति से यहाँ पे आई हूँ और मैं यहाँ पे शांत रहने के लिए यहाँ पे आई हूँ। मुझे भी परेशान किया जा रहा है पर मैं तो झेल लूँगी। मुझे नहीं लगता कि कोई है जो मुझे इतना परेशान कर सकता है। लास्ट में अपना ये FB लाइव ख़त्म करके बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरा मुँह मत खुलवाओ, इससे मैं शांत हूँ, मुझे शांति रहने दो। और ये मैं खुल के आज कह रही हूँ कि या तो हमारा सिस्टम, या तो हमारा जो भारत देश की कानून व्यवस्था है, ये सब लोग अगर जाग जाए टाइम पे तो ठीक है। मैं इस्तीफा अपना दे चुकी हूँ, मतलब लिखित में देना बाकी था, पर मैं सुपीरियर ऑफिसर से समझाने की वजह से मैंने कैंसिल किया। अगली बार मैं इस्तीफा दे के उसका मंजूर होने का इंतज़ार नहीं करूँगी। आज की तारीख नोट कर लो, आज के बाद अगर भारत देश की किसी बेटी के साथ भी अगर किसी ने भी गलत करने की कोशिश करी, और गलत करना तो दूर, गलत करने की कोशिश भी करी, तो छोड़ दूंगी मैं गुलामी की नौकरी, उतार दूंगी मैं वर्दी, ठीक है, और आ जाऊंगी मैदान में, जहां जो भी कमीना मिलेगा उसको फाड़ के रख दूंगी, ठीक है। ये लास्ट, ये कोई वार्निंग नहीं, वार्निंग है, चलो ना, क्या वार्निंग नहीं, वार्निंग है, जिसके बाप की हिम्मत हो किसी भारत की बेटी को जो है हाथ अड़ा गलत नजर से देख के दिखाना, ठीक है। और मैं भारत देश की हर बेटी को कहना चाहती हूँ कि आप लोग डरिए मत, आइए सिस्टम के सामने फाइट कीजिए। जो भी कमीना आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, मारो लात साले हरामी की, तोड़ दो, दोबारा ना शकल दिखाने लायक ना रहे कहीं पे। और भारत देश की हर बेटी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग बाहर आओ, आप लोग को लगता है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, गलत है। आप लोग संतोषी माँ बन के बैठे रहेंगे तब तक ये लोग ऐसे आपको नोचते रहेंगे। बन जाओ रणचंडी और आ जाओ मैदान में। सिस्टम समाज और कानून व्यवस्था के इंतजार मत करो, खुद आ जाओ। मोदी जी जो कह रहे हैं ना कि आत्मनिर्भर बनो, यस मैं आपसे कह रही हूँ बेटियों, आत्मनिर्भर बनो। भारत की बेटियों जागो, आप लोग आत्मनिर्भर बनो। किसी की इतनी हिम्मत कि आप लोग के साथ गलत करने की कोशिश करे, अरे कोई देख भी ले ना तो जाओ साले हरामी को तोड़ के आओ, और जो होगा उसके बाद मैं देख लूंगी। कॉन्टेक्ट करो मुझसे, अपनी जगह, उसके बाद किसी के बाप से नहीं डरती मैं। किसी के साथ कुछ भी अगर गलत होता है तो डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट करो, मुझसे आत्मनिर्भर बनो, खुद उससे उन हरामियों से लड़के आओ, तोड़ के आओ। अगर आपसे बात नहीं बनती तो कांटेक्ट करो मुझसे। और जो अपने चाचा दादा मामा जो अपने परिवार के कहते हैं ना कि हमारी इज्जत चली जाएगी, ये वो, मैं नहीं मानती इज्जत चली जाएगी। हमारे साथ गलत होता हम चुपचाप बैठ जाए तो उसमें इनकी इज्जत है, और हमारे साथ गलत होता हम लोग कुछ बोलते तो इनकी बेइज्जती हो जाती है। शर्म है ऐसी लालच भरी जिंदगी पे और ऐसे हरामी सिस्टम पे जो हम लोग को चुप होने के लिए बोलते हैं। मैं हर एक बेटी को बोलती हूँ कि बाहर निकलो और खुले में आराम से घूमो। ये भारत देश के बेटे अगर आराम से घूम सकते तो हम क्यों नहीं घूम सकते? हमारी छोरियां छोरों से कम है के? हाँ अगर कम है तो इनको दिखा दो हरामियों को, नहीं हम कम नहीं है। अगर हम लोग अपनी अपनी असलियत पे आए ना तो तुम सालों हरामियों की हड्डी पसली एक कर देंगे, ठीक है। आज की तारीख नोट कर लो, आज के बाद अगर किसी भी बंदी के साथ, किसी भी भारत देश की बेटी के साथ, किसी भारत देश की नहीं विश्व के किसी भी बेटी के साथ अगर गलत होता है तो उसको, उस जिस बंदे ने गलत किया, मैं छोड़ दूंगी गुलामी की नौकरी और तोड़ के आ जाऊंगी उस हरामी को। समझा मैं क्या तोड़ दूंगी?
और दोबारा कहीं मुंह दिखाने लायक मुंह दिखाए क्या, जिंदा नहीं बचेगा, मैं जान से मार डालूंगी उसको, ये खुली धमकी है। जिसको मेरे को अरेस्ट करना है कर लो, जिसको जो करना हो कर लो, नहीं डरती मैं किसी के बाप से। अगेन जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे। गुरु प्यारे अंत दे विच इक्को ही गल कहना चाहांगे, भारत ते पंजाब दी अगर गल कीती जावे तां लॉ एंड ऑर्डर कहण नूं ही बचिया है, क्योंकि जमीनी हकीकत असीं सारे जाणदे हां कि डंडे दे जोर दे उत्ते या सियासी रसूख दे जोर दे उत्ते हर चीज बदली जांदी है, फाइलां च हेर फेर हुंदा है, निर्दोष सलाखां विच सुट्टे जांदे ने, चंगे अफसर इस कदर तंग परेशान किए जाते हैं, बदलियां की जाती ने, पोस्टिंग्स की जाती ने, उस तो बाद अपने उल्लू मुड़ सीधे कर लाए जाते हैं। इसलिए जेकर भारत विच पंजाब विच बदलाव लियाना है तो सानू कितना कितने यह गंदगी आप साफ करनी होगी, सिस्टम दे विच रह के साफ करनी होगी, सिस्टम तो बाहर रह के भी साफ करनी होगी, पर अजि गंदगी साफ करने वास्ते सब तो जरूरी है अपनी आवाज बुलंद करना, जिदा इस धी ने भारत की इस शेरनी सुनीता यादव ने बुलंद की है। तो ये सब इस मसले पर की सोचते हैं अपने विचार नीचे कमेंट्स के जरूर देना, वीडियो चंगी लगी हो लाइक तो शेयर भी जरूर करना। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सिख धर्म की हर गतिविधि गुरबाणी वास्ते हुने सबसक्राइब करो गुरबाणी अखंड बाणी, नोटिफिकेशन वास्ते बैल नूं रिंग करो।